का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में भारतीय लोग, भारत के राजाओं ने कई जगह राज भी किया, तो भारत में कई शासन आए और राज किए। और स्वाभाविक है, शासन आए राज किए, तो जब शासन आता है तो उसके सिक्के, उसके स्टाम्प पेपर, उसके कागजात होते हैं। तो हम आज यहाँ एक प्रदर्शनी लगी है, उस पर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम आपको प्रदर्शनी दिखाएंगे कि रियासत कालीन जो स्टाम्प पेपर होते थे जिससे रजिस्ट्री होती थी, उस रियासत के सिक्के पर हम बात करेंगे। हम हमारे साथ हैं आशीष कुमार दास जी हैं यहाँ से, भिलाई से। यहाँ वैष्णवों का बहुत शासन था पहले जी, वैष्णव भी था, शैव भी थे जी। तो ये जो आप अभी सिक्के दिखाएंगे वो कौन से सिक्के हैं इसमें? सर जो पहले जो अपना मल्हार के सिक्के मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से है, जो हमारा जो दक्षिण कौशल का जो मतलब सभ्यता है वो मल्हार से ही पनपा है और वो पूरा दक्षिण कौशल में वो पूरा फैला है। तो उसमें आपको अलग अलग वंश के राजा मिलेंगे, जैसा माघ वंश के मिलेंगे, जिसके बारे में लोगों को ऐसा जानकारी है कि माघ वंश जो है वो कौसम्बी के हैं, मगर मूलतः वो अपने दक्षिण कौशल के हैं जी। इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, मैं सर्वपुरी वंश के सिक्के मिलेंगे। सर्वपुरी वंश के सिक्के जो सोने के सिक्के हैं, जो रिपोस्ट टाइप के हैं, और ये वैष्णव है। इसमें आपको गरुड़ और कलश और विष्णु के जो चक्र, गदा, पद्म, ये सब आपको मिलेंगे। तो ये जैसे यहाँ का जो अपने पास इतिहास संजोया है वो कब से कब तक का है, यानी स्वाभाविक 47 से पहले का होगा और आखिरी का कहाँ तक? ये जो सबसे पुराना जो सिक्का है ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से है। अच्छा, मतलब 2200 साल पुराना है। और ये उसके बाद सर, और ये जो स्टाम्प पेपर जो है ये आपका रियासत काल है। 576 रियासतें थी भारत, 565 रियासतें थी, उसमें अपना छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। और 14 जो छत्तीसगढ़ बोला जाता था तो 36 राजा थे? नहीं, छत्तीसगढ़ अलग होता है, 36 टोक गढ़ था और रियासत जो था वो अंग्रेज जमाने में था रियासत, वो 14 टोक थे। चलिए हम अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के सिक्के और स्टाम्प पेपर यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। यहाँ रियासती मल्हार कॉइन्स जी, मल्हार कॉइन्स दिख रहे हैं। ये जो है इसमें मल्हार में म आपको साइन मिलेगा, जो ब्राह्मी लिपि में म बना हुआ है। हाँ, जी, तो ये हर सिक्के में पाया जाता है। उसके बाद ये जो बाजू में है ये पूरे मल्हार के हैं। मल्हार के सर ये। तो ये इनमें कुछ समझ आता है कौन 10 पैसे का है, कौन एक? नहीं नहीं, पैसे का नहीं, वो होता था उस जमाने में, मतलब बड़े पैसे होते थे, फिर आधा पैसा, फिर क्वार्टर रुपी, फिर 1/8, फिर 1/32। जी, तो ये पाए कहाँ से गए? ये मल्हार के गढ़ से ही पाए गए पूरे। अब ये जो है, ये जो दिखा रहे हैं ये अच्छादी सीरी का सिक्के हैं। ये धमा बांधा के हैं, ये सिलालू सीरी के हैं, ये शिवमा के हैं, ये माँ एक एक करके। हाँ, ये भी मल्हार के, सब मल्हार के, ये सब राजा थे। हाँ, मागश्री के हैं। हाँ, ये बालिगा के हैं। हाँ, उसके बाद जो है ये जिसको बोलते हैं एलिफेंट डेटी सीरीज। हाँ, ये जो सिक्के आपको पूरा फिर दक्षिण कौशल में पाया जाता है, जैसे आपको 4-5 साल पहले तर्री घाट के उत्खनन में ये सब ऐसा टाइप के सिक्के पाए गए थे। अच्छा, तो अभी छत्तीसगढ़ में कहाँ उत्खनन में सिक्के मेन कहाँ मिला है भारत का प्राचीन इतिहास? असल में मल्हार से मिला है, तरी घाट से मिला है। मल्हार बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है? ये आपका मस्तूरी से 12 किलोमीटर अंदर में है। हाँ, ठीक है। नहीं, क्या पब्लिक को जी जी बताने। हाँ, ये अच्छा ले लीजिए। हाँ, ये जो है सिक्के ये क्या है? ये सर सरपुरी वंश के हैं, प्रसन्न मात्र के सिक्के हैं। अच्छा, ये सोने के सिक्के हैं। अच्छा, और ये वैष्णव थे और ये रिपोस्ट टाइप के हैं। इसमें आपको आपको कलश दिखेगा, गरुड़ दिखेगा। हाँ, और विष्णु की के मतलब चारों गदा, पद्म, चक्र वगैरह सब दिखेंगे। उस समय भगवान हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव सिक्कों में था? जरूर था सर, जैसा शैव होता था तो शिव जी का प्रभाव पड़ता था। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी गांधी के सिक्के, गांधी की फोटो रहती है जी, तो उस समय भगवानों की फोटो रहती थी। अच्छा, और ये क्या है? ये कलचुरी वंश के सिक्के हैं सर। ये जाजल देव के सोने के सिक्के हैं। ये जगपाल देव के हैं। ये आपका रतन देव के हैं, जो रतनपुर बसाया था। और ये पृथ्वी देव के हैं। अगर भाई ये वायर पकड़ो तो ये पृथ्वी देव के हैं। हाँ, ये कहाँ का है? ये सब कलचुरी वंश के हैं।
ये जाजल देव के बारे में बता रहा हूँ। ये जाजल देव जो है जांजगीर का स्थापना किया था। अच्छा, रतन देव ने रतनपुर का स्थापना किया था। और ये डाक टिकट भारत सरकार ने निकाला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर के ऊपर में। अच्छा, और आगे बताते जाइए। ये रतन देव जो है बता दीजिए। ये रतन देव के सिक्के हैं, रतन देव, पृथ्वी देव, जाजल देव के सिक्के हैं। कहाँ पे थे रतन देव? ये रतनपुर कलचुरी के राजा थे। रतन देव कलचुरी के। और आगे ये जाजल, जाजल देव, जाजल देव और पृथ्वी तरफ। नहीं नहीं, ये भी रतनपुर कलचुरी थे, राजधानी रतनपुर। स्टाम्प पेपर में ये 14 रियासत है, उसमें से ये सरगुजा रियासत का स्टाम्प पेपर है। ये जो इसमें रामानुज शरण सिंहदेव जी का फोटो बना हुआ है, जो कि अभी हमारे जो मंत्री हैं टी एस सिंहदेव जी, उनके दादाजी थे। और ये कोरिया रियासत के राजा हैं रामानुज प्रताप सिंहदेव। और ये रामानुज प्रताप सिंहदेव ऐसा एकमात्र है जो द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गए हुए थे। ये जैसे इसमें क्या लिखा रहता है स्टाम्प पेपर? इसमें ये जैसा ये अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट है? नहीं नहीं, अंग्रेजों के साथ नहीं। ये जैसा खड़गवा ठकुराइन का वसीयत है ये। अच्छा, ये कोरिया वाली क्या है? ये सब कोई रजिस्ट्री का होगा, कोई कोर्ट का। और हाँ, और आगे आते हैं अपन। ये नांदगांव रियासत का है। अच्छा, इसको थोड़ा देखते हैं। ये नांदगांव रियासत का है। हाँ। ये शक्ति रियासत का है। हाँ हाँ हाँ। ये सारंगढ़ रियासत का है। हाँ, और सारंगढ़ रियासत में ये आपका उनका जो दीवान है अकबर खान का, उनका लिखा हुआ उनका सिग्नेचर के साथ है स्टाम्प। ये बस्तर रियासत का लिफाफा, राजकीय लिफाफा है। और ये आपका प्रफुल्ल कुमारी जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासक है, उनका कोर्ट फी स्टाम्प है। अच्छा, ये आपका छुई खदान का स्टाम्प पेपर है। ये जशपुर रियासत का स्टाम्प पेपर है। ये रायगढ़ रियासत का है। ये महाराजा भूपदेव सिंह है, उनका बड़ा बेटा महाराजा नटवर सिंह का स्टाम्प पेपर है। ये महाराजा चक्रधर सिंह का स्टाम्प पेपर है। ये खैरागढ़ रियासत का स्टाम्प पेपर है। ये कुछ खैरागढ़ की, खैरागढ़ रियासत की कुछ आप खासियत बता रहे थे किसी स्टाम्प पेपर में? नहीं, वो कवर्धा रियासत था। कवर्धा रियासत जी। हाँ। ये, अच्छा, ये किसका है? ये कांकेर रियासत का है। अच्छा, ये ही राशि दोनों। और ये ये सत्यमेव जयते जो है कवर्धा रियासत, 565 रियासत सत्यमेव जयते जो आज भारत के उसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा जाता है, अशोक स्तंभ के नीचे। देखिए, हमको दास जी बता रहे थे कि भारत छत्तीसगढ़ का इतिहास और 14 रियासतें, सिक्के और स्टाम्प पेपर के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताए हैं। हाँ, तो ये जितना है ये लगभग कितने वर्ष से कितने वर्ष पुराना है? ये 2200 साल से पुराना है। 2200 साल पुराना। परिचय दीजिए। आशीष कुमार दास, मैं सीनियर मैनेजर भिलाई इस्पात संयंत्र में। आशीष कुमार दास ने छत्तीसगढ़ के इतिहास पे, सिक्कों पे, स्टाम्प पेपर पे एक नज़र डाली है और प्रकाश डाला। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देव आशीष, रायपुर छत्तीसगढ़।